माय डियर ऑल फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। ये देखिए, जो मैंने अनारकली कुर्ती पहनी है, इसके बारे में मैं सभी साइज़ के आपके सभी डाउट क्लियर करने वाली हूँ। आपने बगैर स्किप किए पूरी वीडियो देखनी है कि कैसे मैंने कलियाँ कट की हैं, सब कुछ। वेलकम माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रितुषा। गाइस, आज मैं आपको अनारकली कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाऊंगी बहुत ही आसान से तरीके में। दोस्तों, जैसे जैसे आप इसको देखोगे, आपको कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो ये देखिए, जैसे मैंने इसके लिए तीन माप लिए हैं, एक लेंथ है, एक चेस्ट है, इनके ब्रेस्ट होती है जो, एक कमर है। तो कमर मैंने जैसे कि प्लस करके पहले ही ले लिया है 10 इंच, और जो कमर है वो मैंने 8 इंच पर लगाया है, जो 44 इसकी लेंथ है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मैंने 5 मीटर फैब्रिक लिया है कॉटन का। तो सबसे पहले हम इसकी चोली कट करेंगे। तो चोली मैंने जैसे कि 14 इंच तैयार रखनी है, तो 15 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इसको हम यहाँ से भी एक बार सीधा करके कट कर लेंगे। हमने सेम इक्वल 15-15 के दो हिस्से कट कर लेने हैं। ये हमने एक हिस्सा कट कर लिया है, बिल्कुल सेम हम दूसरा हिस्सा भी कट करेंगे, क्योंकि फ्रंट और बैक अगर बिल्कुल ही पतला बंदा हो तो हम एक में से ही फोर फोल्ड करके कट कर सकते हैं, बट इनकी चेस्ट थोड़ी ही ज्यादा है तो इसलिए हम फोर फोल्ड नहीं कर सकते। ये मैंने दो हिस्से इस तरह से अलग अलग कट कर लिए हैं। अब हम इनमें से चोली कट करेंगे पहले, यानी कि हमने उतना ही फैब्रिक फोल्ड कर लेना है जितना कि हमारी जो ब्रेस्ट है उसमें 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर के, यानी कि वो थी हमारी 10 इंच। तो 10 में मैंने 2 इंच लिए तो 12 हो गया, तो 12 इंच तक हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और यहां से इसको कट कर देंगे। अब हम जैसे सिंपल कुर्ती कट करते हैं वैसे ही हम इसको कट करेंगे। इसका जो नेक है वो मैंने बोट नेक बनाना है, जैसे कि ये हमने इसका जो शोल्डर लिया है वो मैं इसका बोट नेक बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने शोल्डर इसका 7.5 इंच लिया है, तो 7.5 इंच पर मैंने ये निशान लगाया। यहाँ से मैंने 1/2 इंच पहले ही कम कर लेना है, क्योंकि हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा बैक वाले हिस्से में लेते हैं। तो यहां से मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया और जो नीचे का निशान है वो हम ये भी 7.5 पर मैंने सामना देखने के लिए लगाया है। ये निशान हम जो आर्म होल का है वो हम 7 इंच पर लगाएंगे इस तरह से। कुर्ते की कटिंग भी सेम हम इसी तरीके से करते हैं दोस्तों। ये मैंने 10 इंच पर ब्रेस्ट का निशान लगाया और 2.5 इंच एक्स्ट्रा जो भी हम रखना चाहे वो मैंने ये लगाया यहाँ पर। इसके बाद जैसे कि 12 इंच हमारा यहाँ से हो गया, 11.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब हम दोनों को इनको ऐसे मिला देंगे और यहाँ से हल्की सी राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। यहाँ से जैसे ये तो मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की थी 1/2 इंच, यहाँ तक झुकाव करेंगे जहां तक हमारा नेक आएगा। 4.5 इंच पर हमारा नेक आएगा क्योंकि बोट नेक है। यहाँ से हमने इसको भी ऐसे झुकाव दिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने इसको अच्छे से कट कर लिया है। अब हम 1 इंच का यहाँ से 1 या 1.25 इंच का जितना भी थोड़ा बहुत आप ऊपर रखना चाहो यहाँ से इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। ये लगभग हमने 4, 4.5 इंच तक दे देनी है। ये हमने यहाँ तक ऐसे कट किया। अब हम जो बैक हिस्सा है हमारा उसको लेंगे, सेम उसको भी हमने 12 इंच तक ही फोल्ड करना है। ये मैंने बैक हिस्सा इस तरह से बिछाया, सेम इसको भी हम ऐसे रखेंगे और जो हमारा बैक हिस्सा है वो हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लेते हैं, वो चाहे कुर्ती हो या फिर ये चोली जो ऊपर से हमने कट की है इसका भी। यहाँ से हमने फिर से राउंड शेप दे देनी है और इसको भी यहाँ से बिल्कुल सेम इक्वल उसी जगह से मैं कट कर रही हूँ जहाँ से हमने फ्रंट हिस्सा कट किया था। अब ये सिर्फ एक्स्ट्रा है हमारा बैक वाला हिस्सा, यानी कि फ्रंट हमारा यहाँ तक है। इसकी हम साथ की साथ छटाई कर देंगे। छटाई हम कुछ इस तरह से करते हैं, अंदर की तरफ 1 इंच या 1/2 इंच लिया
और इसकी भी हम राउंड शेप में छटाई कर देंगे। ये हमारा फ्रंट हिस्सा और बैक हिस्सा कट के तैयार हो गया है। अब हम इसकी कलियां कट करेंगे दोस्तों। ये देखिए, जैसे मैंने ये कलियों का जो 8 फोल्ड मैंने रखा था, इस तरह से हम किस तरह से कलियां कट करते हैं वो मेजरमेंट में आपको बताऊंगी, आप बहुत ध्यान से समझना। जैसे कि हमारी जो कमर थी वो 8 इंच की थी, तो इसमें हम ये एक्स्ट्रा तो इसलिए लिया है कि हम इसमें प्लेटें डाल लेंगे दोस्तों। इनके यहाँ से हमने प्लेटें डाल लेनी है, ये प्लेटों के लिए मैंने एक्स्ट्रा लिया था। तो इसको तो आप एक बार छोड़ दो, इनके पूरी तैयार जब हो जाएगी तो हमारी जो कमर प्रॉपर तैयार होगी वो 8 इंच की होगी। तो 8 इंच हम, ये 8 इंच की हमने कमर लेनी है, और एक एक इंच या दो दो इंच जितना आप एक्स्ट्रा रखना चाहो वो भी प्लस कर लेना। इनके 8 चौक 32 हमारा ये हो गया, और उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे आगे की तरफ का और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे पीछे की तरफ का, तो इनके हमारा हो गया 36 इंच। क्योंकि 2-2 इंच तो मैंने एक्स्ट्रा लिया ही है, वो भी ज्वाइंट में साथ में ले रही हूँ, तो हमारा हो गया 36 इंच। तो इनके दोस्तों जितनी भी हमारी कमर है उसमें मैंने 4 इंच प्लस किया है, 4 इंच प्लस एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक रखते हैं हम साइड में उसके लिए किया है प्रॉपर कमर तैयार में। तो हम कैसे करेंगे इसका, ये मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। जैसे कि हमारा 4 इंच प्लस करने के बाद हो गया 36 इंच, 36 को हमने भाग किया 16 के साथ, यानी कि ये हमारी 8 तय है। तो 8 एक साइड से कलियां निकलेंगी और 8 एक साइड से निकलेंगी, तो हमारी हो गई 16 कलियां। तो जितनी भी हमारी कलियां बनेंगी उसको हमने भाग कर देना है हमारी कमर के साथ, यानी कि जितनी हमारी कमर है एक्स्ट्रा जो आपने रखना है उसका। तो आप ये किसी के लिए भी मेजरमेंट यूज कर सकते हो। तो उसका भाग करने के बाद आया है हमारा 2.25, इनके 2.25 का हमने ये निशान यहाँ पर लगाना है, और 1 इंच हम प्लस करेंगे यानी कि जो हमारी कलियां जुड़ेंगी उसके लिए। फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा बताती हूँ, जैसे कि सिंपल सा तरीका आपको मैं बताऊंगी। जैसे हम प्लाजो कट करते हैं, सर्कुलर प्लाजो, यानी कि हमारी 32 की कमर है उसको हम 4 फोल्ड ही रखते हैं कपड़े को, तो उसको हम भाग करेंगे 4 से तो हमारा 8 आता है यहाँ पर। तो जैसे कि 8 चौक 32, उसी तरीके से मैंने ये भी किया है। अब जैसे कि हमारा आया था प्लस करने के बाद 36 इंच, तो 36 में को भाग किया हमने 16 कलियों के साथ, तो ये हमारा आया है 2.25। इसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच और, क्योंकि ये ज्वाइंट में हमारा जाएगा जब हम कलियों को जोड़ेंगे, तो हमारा आ गया 3.25 इंच। यानी कि जब हम इसको कट करेंगे दोस्तों, तो एक तरफ हम 3.25 पर निशान लगाएंगे यहाँ पर, और 3.25 पर हम निशान लगाएंगे यहाँ पर, ये हमने निशान लगाया। अब हम इन दोनों निशानों को आपस में ऐसे मिला देंगे, ये दोनों निशान हमने मिला दिए हैं। अब हम इनको कट कर लेंगे आपस में। जैसे ये हमने बीच से कट कर लिया है, तो इसकी जो हमारी कलियां है वो प्रॉपर पूरी आई है इस तरफ की। उस साइड से हमारी 4 हिस्से हैं वो ओपन रहेंगे, क्योंकि ये हमारा खुला हिस्सा था। तो इनको अगर हम चाहें तो बीच से कट करके फिर से ज्वाइंट लगा सकते हैं, अगर नहीं तो हम ऐसे के ऐसे ओपन भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो हम इसको एक बार सेंटर से भी कट कर लेंगे, ताकि हमारा इक्वल बैलेंस आए, दिखने में अच्छी लगे कि इक्वल हमारी कलियां कट हुई हैं। तो हमने इनको भी यहाँ से अलग कर लेना है, और यहाँ से भी हम अलग कर लेंगे। तो दोस्तों एक तरफ की हमारी ये 8 कलियां हो गई हैं, और इस तरफ भी हमारी 8 कलियां हो गई हैं। अब हमें इनको कैसे जोड़ेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि जब हम इनको ज्वाइंट करें दोस्तों, तो हमने इस तरह से ज्वाइंट करना है, जो सीधा हिस्सा है उसके साथ सीधा जोड़ना है, और जो तिरछा हिस्सा है हमारा उसके साथ हमने तिरछा हिस्सा ही जोड़ना है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप, वरना अगर आप सीधे के साथ तिरछा जोड़ोगे तो आपका बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बैठेगा और बहुत ही खराब सिलकर आएगा। जैसे कि हमने ये
इतनी पांच कलियां ही ओपन की हैं। अगर हम सारी कलियां ओपन करेंगे तो ये हमारा एकदम से परफेक्ट आएगा, क्योंकि इसके बीच में ये ज्वाइंट भी ऐसे लगेंगे इस तरह से, यानी कि पांच कलियों का यहाँ तक हो गया और उसके बाद हमारी दो कलियां और साथ में जुड़ जाएंगी। मेरे काउंटर पर सेट नहीं हो रही थी इसलिए मैं दिखा नहीं पाई, बाकी नीचे आपको मैं एक बार दिखाती हूँ कि कैसे ये सेट हो जाएंगी। एक तरफ हमारी आठ कलियां जुड़ेंगी और उसके बैक हिस्से में भी हमारी आठ कलियां जुड़ेंगी। दोस्तों ये बहुत ही सुंदर सी कुर्ती बनेगी, आप आगे आगे देखना, कहीं भी स्किप नहीं करनी है आपने। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी कलियां कुछ इस तरह से मैंने अब बिछाई हैं। ये छह कलियां एक तरफ जुड़ेंगी और ऊपर ये इसकी चोली है, इसमें हमने अभी तक प्लेटें नहीं डाली हैं इसलिए मैंने साइड से फोल्ड कर दिया है। इनको जब हम जोड़कर एक बार आपको दिखाऊंगी, बहुत ही सुंदर से जुड़ेंगी। हमने सीधे के साथ सीधी सिलाई लगानी है और तिरछे के साथ तिरछी सिलाई लगानी है, सिर्फ आपने इस बात का ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। चलिए एक बार हम सभी कलियों को आपस में जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये दोस्तों हमने इसका जो आगे का नेक था वो मैंने कट कर लिया है। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है मैंने कैसे कट किया है तो मैं नेक्स्ट पार्ट में इसकी वीडियो डालूंगी, आप चेक कर लेना। ये देखिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक बना है हमारा, और इस वीडियो में मैंने तीन चार नेक एक साथ समझाए हैं, आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ से जैसे कि अब हम ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ये हमने उठाया है और इसका डिस्टेंस मैंने 9 इंच का रखा है, इनके ये डिस्टेंस है ये 9 इंच का हम रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा करके इसको पूरा तैयार कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों जब मैंने बोला था कि हम यहाँ पर ये जो प्लीट्स हैं ये लगा लेंगे, तो ये भी मैंने कंप्लीट कर ली है, जो फ्रंट हिस्सा है उस पर भी मैंने प्लीट्स कंप्लीट कर ली है यहाँ से ऐसे। अब जब ये नेक तैयार हो जाएगा तो हम इसके ऊपर इसको सील देंगे और पूरा तैयार होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखिए ये हमने बहुत ही सुंदर हमारा नेक बन के तैयार हुआ है इस तरह से। ये हमारा बैक हिस्सा है, ये फ्रंट हिस्सा है, कुछ इस तरह से ये हमारा आएगा। और इसके बाद अब हम इस पर फिटिंग लगाएंगे, उससे पहले एक बार हम इसकी चोली अटैच करते हैं इसके साथ है। जैसे कि ये हमारी इसकी जो चोली है, ये चोली, ये इसका घेर जो हमने कलियों का तैयार किया था वो इसको आपस में ज्वाइंट कर देंगे, उसके बाद हम फिटिंग लगाएंगे। ये हम कैसे ज्वाइंट करते हैं, जैसे कि हमने ऐसे इसके ऊपर ऐसे रखा और इस पर ये सिलाई लगा देंगे। बैक हिस्से में भी सेम हम ऐसे ही लगाएंगे, फिर उल्टी तरफ करके फिटिंग लगा देंगे, उसके बाद हम स्लीव लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ, ये किस तरह से हमारा बनकर तैयार हुआ है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा रेडी होएगा। इसकी स्लीव भी कि वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में डालूंगी, वो आप देख लेना। ये देखिए दोस्तों, आगे से मैंने इसकी पट्टी कुछ इस तरह से तैयार की है, इनके जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था फोल्ड के लिए उसी में मैंने इसको तैयार कर दिया है। और जो हमारी ये प्लेटें हैं जो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लिया था उसको मैंने इस तरह से डाला, फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने ये हमारा राइट हिस्सा है, सीधी तरफ मैंने जो कट लगाया था उसको इतना सा फोल्ड करके ऊपर एक सिलाई लगा दी है कन्नी की तरफ, ये जैसे इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसको इतना सा फोल्ड करना है, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जितना चाहो उतना फोल्ड कर सकते हो। अब इसमें हमने ये जो स्मोसा लेस है इसको लिया और इसको इसके नीचे ऐसे रखते हुए सीधी सिलाई हमने लगा लेनी है। इस तरह से हम कंप्लीट सिलाई लगा लेंगे ऐसे फोल्ड करते हुए और इसको इसके नीचे रखते हुए पूरे पर हमने सिलाई लगा लेनी है।
ये आगे से हमारी तैयार हो गई है, जो मोहरी की तरफ से हमने तैयार करना था। अब हमने जो यहाँ पर कट लगाए थे, इस तरह से दोनों तरफ मैंने कट लगाए हुए हैं, तो इनको हम इस तरह से ऐसे छोटी छोटी चुन्नटे डालेंगे। यहाँ से हमने इस तक जो हमारा ये सेंटर है, इस तक हमने इस तरफ फेस करना है चुन्नटों का। ऐसे ही छोटी छोटी चुन्नटे हमने डाल देनी है। दोस्तों, मैं हाईली एक्टिव इंस्टाग्राम पर रहती हूँ। अगर आपको मेरी डेली अपडेट देखनी है कि मैं दिन भर में क्या कुछ करती हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा। सेम आईडी है, टैलेंटेड रितु इंसान। वहाँ पर आपको मेरी डेली अपडेट मिलती रहेगी। ये हमारी चुन्नटे इस तरह से कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे। ये हमारा जो आर्म होल वाला हिस्सा है वो हो गया। जैसे हम सिंपल स्लीव तैयार करते हैं, अब वैसे ही हमने तैयार करनी है मोहरी। जैसे हमने यहाँ तक मापी और इस तरह से निशान लगा करके, ये स्टिचिंग लगा करके, सेम जो सिंपल स्लीव होती है उसी की तरह तैयार कर लेंगे और हमारी स्लीव एकदम से परफेक्ट तैयार हो जाएगी। दोस्तों, बहुत ही सुंदर लगती है। फ्रेंड्स, ये डालने के बाद कुछ ऐसी लग रही थी, ये बहुत ही जल्दी तैयार हो गई थी और बहुत ही इसका सुंदर लुक आया था। आप भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये कुर्ती का डिज़ाइन और स्लीव का डिज़ाइन कैसा लगा। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।